दोस्तों, ये स्पीच आपने पब्लिक के सामने अगर कॉन्फिडेंस से बोल दिया तो आपके जीवन में कभी आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी। आप कभी भी किसी के सामने किसी भी विषय पे बोल सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरखास्त करना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्पीच की तरफ। अ वार्म वेलकम एंड अ हार्टली गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल प्रिंसिपल, द चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, यह आपके स्पीच की शुरुआती लाइन है, इसलिए आपको इसको उत्साह के साथ और ऊंचे स्वर में बोलना है ताकि वहाँ पे मौजूद लोगों का जो ध्यान है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। इसके बाद माई सेल्फ और उस डैश में आपको आपका नाम लिखना है, फ्रॉम द क्लास, जो भी आपका क्लास है, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, वो आपको लिखना है। उसके बाद आई एम गोइंग टू डिलीवर स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट अ स्पेशियस ओकेजन एज इंडिया कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वी आर सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव। August 15th, दिस वॉज द डे इन 1947 वेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, वेन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बाय होस्टिंग द फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट। दिस इज द रीजन दैट एवरी ईयर PM ऑफ आवर कंट्री होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन रेड फोर्ट। फ्रॉम ईयर 1795 टू 1947 द लाइव्स ऑफ मेनी फ्रीडम फाइटर्स एंड सर्वल डिकेट्स ऑफ स्ट्रगल वेयर सेक्रीफाइस्ड। द सेक्रीफाइसेस ऑफ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड चंद्रशेखर आज़ाद, हु लॉस्ट देयर लाइव्स टू फाइट फॉर द कंट्री, कैन नेवर बी फॉरगॉटन। महात्मा गांधी वॉज द ग्रेट इंडियन हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ऑल्सो गेव अस द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। वी सेलिब्रेट दिस नेशनल फेस्टिवल बाय होस्टिंग द फ्लैग, सिंगिंग नेशनल एंथम एंड पेइंग ट्रिब्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स। वी आर ऑल्सो लकी टू हैव बीन गिवन अ लैंड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस बाय आवर फोर फादर्स टू लिव हैप्पीली। वी शुड ऑल बी प्राउड टू बी एन इंडियन बिकॉज टूडे इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वी आर वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड एंड डेवलपिंग रैपिडली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड मेनी अदर्स विच कुडंट बी पॉसिबल विदाउट फ्रीडम। इसके बाद हमने जो कहावत डाली है उसको आपको ऊंचे आवाज़ में कहना है ताकि आपका जो स्पीच है वो इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग लगे। लेट अस सेलिब्रेट द ग्लोरी ऑफ फ्री इंडिया एंड अपहोल्ड द प्राइड एंड हॉनर ऑफ बींग एन इंडियन। वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। यह भाषण यहाँ पे ख़त्म हो चुका है दोस्तों। दोस्तों, इस स्पीच की आप प्रैक्टिस कीजिए और आत्मविश्वास के साथ कहिए ताकि ये स्पीच आपको ज़िंदगी को एक कॉन्फिडेंस देगा कि आप पब्लिक में किसी भी विषय पर लोगों के सामने बोल सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ।